सक्सेस एंड फिटनेस आर इंटरकनेक्टेड। जो लास्ट ईयर का मेरा ट्रांसफॉर्मेशन था वो रुबाइनस फिटनेस क्लब में था, और जब वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ था तो फरहान भाई और जायद भाई, जिनका ये जिम है, जिन्होंने मुझे यहाँ पे न्योता दिया आने के लिए, तो इन्होंने मेरा वो जीरो से जर्नी देखी हुई है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट टू बोथ ऑफ देम। जुनेद भाई अभी शायद नीचे कहीं बिजी हैं, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इस एरिया का ये सबसे दी बेस्ट जिम है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं जुड़ा हुआ हूँ, आप खुद देख सकते हैं और जो लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। जब ये ओपनिंग आई थी इसकी, तब से ये चर्चाओं का विषय है। जैसे कि मेरे दो दोस्त व्हाट्सअप पे हैं, उनने मुझसे बोला कि यार वो एक नया जिम आ रहा है MYC करके, यार उसके बारे में बहुत सुन रखा है। तो हालांकि मुझे तो पता ही है, लेकिन मैं उनसे बोल रहा हूँ अरे तुमको कैसे पता, बोले बहुत चर्चाओं में है, बहुत उसकी बहुत न्यूज़ फैली हुई है। तो दिस इज जिम एंड आई थिंक इज द बेस्ट जिम इन द लोकल। नॉट बीइंग एन एक्टर, बीइंग एन आर्टिस्ट, बट फिटनेस आज की तारीख में हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने पहली लाइन वही थी कि फिटनेस एंड सक्सेस आर इंटरकनेक्टेड, जो फिट है वो हिट है ऑब्वियसली। फिटनेस मंत्र गुड डाइट एंड रेगुलर वर्कआउट और 6-pack एप्स तो बहुत ही ओवर हाइप लगते हैं मुझे, लेकिन स्टेमिना, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि आप गेन कर सकते हैं उसमें, पर वो आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। पीपल थिंक इट्स इजी, इट इज नॉट। कितना मुश्किल है फिर आप बताओ। एग्जैक्टली द पॉइंट, लोगों को बहुत लगता है। इन्होंने मुझे ट्रेन किया हुआ है रुबाइनस फिटनेस क्लब में, वो ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रेन किया है, देख रहे हैं वो एंड रिजल्ट है। उसके लिए जितना मेहनत लगता है वो इनको पता है। नहीं, जैसे कि हम जब बॉडी बिल्डर से पोस्टर्स देखते हैं, तो लास्ट ईयर ट्रांसफॉर्मेशन मेरा हुआ उसके बाद, इट्स अ ग्रेट ह्यूज रिस्पेक्ट टू ऑल द बॉडी बिल्डर्स आउट देयर जो मसल बिल्डिंग में है, जो बॉडी बिल्डिंग में है। इट्स नॉट ईजी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी मन की मारनी पड़ती हैं, ख़त्म करनी पड़ती हैं, और एक रेगुलर दोस्ती यारी छोड़नी पड़ती है, आपको अपनी एनर्जी सेव करनी है, आपको 8 घंटे नींद लेनी, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इट्स नॉट अबाउट 6-pack abs और लुकिंग गुड, उसके पीछे बहुत बहुत काम होता है उसके पीछे। सो द फैक्ट सभी अच्छा है यार, मतलब ऐसा थोड़ी कि मतलब ये हाथ मुझे अच्छा लगता है तो मुझे मेरे पाँव अच्छे नहीं लगते, तो वो बैलेंस तो करना ही है, पूरी बॉडी को शेप में रखना पड़ता है। नहीं, हेट वाली बात नहीं, इट्स मोर ऑफ लाइकिंग एंड नॉट लेस ऑफ लाइकिंग, ऐसी वाली बात है। तो ऑब्वियसली थोड़ा लेग्स को लेके, इनफैक्ट अगर आप हेट करो तो उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो उसको और ज़्यादा मारो। हाँ तो अच्छा यार, कोई इंस्पिरेशन जाए, मतलब लोग अगर मोटिवेट होते हैं, अगर पिक्चर्स देख के मेरे कोर्ट से मोटिवेट होते हैं, तो कहीं शायद मैंने भी ये मोटिवेशन लिया है किसी और से, तो ये पास ऑन ऐसे ही होता है। और मुझे लगता है इंशाल्लाह ये जिम जो है ये बहुत सारे अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स प्रोड्यूस करेगा, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि यहाँ के जो आसपास की लोकेलिटी, यहाँ पर बहुत मेहनती लोग हैं। क्या होता है ना, जिनके पास सब कुछ होता है ना, उनका सब कुछ होता है, लेकिन जिनके पास नहीं होता उनको सब कुछ चाहिए होता है, तो वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो लोग यहाँ पर आएंगे और फरहान भाई के गाइडेंस के अंदर वो लोग माशाल्लाह ज़रूर अपना तंदुरुस्त और शरीर कड़क बनाएंगे। इस ये टिप देंगे क्योंकि इनकी टिप मुझे मिली है। तो फरहान भाई आप टिप दो, आप क्या टिप दोगे फिटनेस को लेके कि कैसे फिट रहे? देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप देख रहे हो शशांक को जो इतना स्मार्ट, लुकिंग सो हैंडसम एंड ऑल, सो ऑब्वियसली उसके पीछे वो फिट रहना ही एक बहुत बड़ी राज है। उसका डाइट, प्रॉपर वर्कआउट, वो चीज़ चेहरे पे फिर दिखती है, तो वो चीज़ ऑब्वियसली तुमको फिर फॉलो करना। इफ यू वांट टू बी अनकॉमन देन डोंट डू कॉमन थिंग्स। एग्जैक्टली, वेरी सिंपल, मेन थिंग जो बाकी लोग करते हैं वो मत करिए। थैंक यू।